हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको IS 1200 की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कॉन्ट्रेक्टर हैं तो आपको IS 1200 की नॉलेज होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। कुछ हिडन प्रॉफिट होते हैं जो कि IS 1200 में पता चलेगा कि आप अपने आइटम को किस तरह से मेज़रमेंट करते हैं, जिस भी चीज़ का आप काम कर रहे हैं उसको किस तरह से मेज़रमेंट करते हैं, वो अगर आपको सही से पता चल जाए तो आप क्लाइंट से अपना जितना काम किया है वो आप एग्जैक्ट क्लाइंट को क्लेम कर सकते हैं। कुछ हिडन प्रॉफिट भी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि वो मेज़रमेंट करने के टाइम पे कुछ हिडन प्रॉफिट, जहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है लेकिन वो प्रॉफिट आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो प्रॉफिट आपको मेज़रमेंट में मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको IS 1200 से पता चलेगी। तो आज हम लोग देखेंगे IS 1200 कोड के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में मोड ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन करता है। IS 1200 में कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट किस कंस्ट्रक्शन आइटम के मेजरमेंट को बताता है, उस आइटम को किस इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किस तरह से मेजर करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। देखिए, IS 1200 में टोटल 28 पार्ट होते हैं, 28 पार्ट्स होते हैं। तो हर पार्ट में अलग अलग कंस्ट्रक्शन आइटम को मेजर करने का तरीका बताया गया है, तो हम लोग वही देखते हैं कि किस आइटम को कैसे मेजरमेंट करते हैं। IS कोड पार्ट 1, इसमें हम लोगों को अर्थवर्क की मेजरमेंट करना बताया गया है। जो भी हम लोग अर्थवर्क करते हैं, मैनुअल मीन, अभी आगे मैकेनिकल मीन का भी आएगा, ये मैनुअल मीन है, मतलब जो हम लोग मैनुअली करते हैं अर्थवर्क, मतलब मजदूरों से लेबरों से जो अर्थवर्क करवाते हैं वो, तो उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, वो इस पार्ट में बताई गई है। IS 1200 का पार्ट 2, इसमें कंक्रीट वर्क की मेजरमेंट करना बताया गया है। कंक्रीट वर्क में बहुत सारी चीज़ों वाइड्स आते हैं, जैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े पाइप डालते हैं उसको कितना डिडक्ट करते हैं, कितना डिडक्ट नहीं करते हैं, या कौन से पाइप को डिडक्ट ही नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। IS 1200 का पार्ट 3, इसमें ब्रिक वर्क को मेजरमेंट करना बताया गया है। अब ब्रिक वर्क भी दो तरह से मेजरमेंट होता है, क्यूबिक मीटर में भी, स्क्वायर मीटर में भी। आप कहाँ पर क्यूबिक मीटर को प्रेफरेंस देते हैं, कहाँ पर स्क्वायर मीटर को प्रेफरेंस देते हैं, वो इस IS 1200 में बताया गया है। जो आपको प्रॉफिटेबल है उस चीज़ को उस हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। आप वैसे भी कोट कर सकते हैं, तो वो इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। IS 1200 का चौथा पार्ट है स्टोन मेजनरी। अब स्टोन मेजनरी में क्या, देखिए ब्रिक मेजनरी आपने देखा, बस आपका रॉ मटेरियल बदल गया है, वहाँ पे ब्रिक था या स्टोन हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है मेजरमेंट में कि इसको मेजर कैसे करते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपको कोड देखकर ही पता चलेगा। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में कोड अलग अलग इंडिविजुअली कोड पे बनाऊंगा, उसको आप देखते रहिएगा। IS 1200 का 5वां पार्ट है फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क मतलब शटरिंग का काम जो भी होता है वो इसमें मेजरमेंट करते हैं, मतलब जो भी एक मोल्ड बनाते हैं हम लोग कॉन्क्रीट करने के लिए, जो एक फॉर्म तैयार करते हैं कंक्रीट करने के लिए, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसमें क्या डिडक्शन लेते हैं, क्या डिडक्शन नहीं लेते हैं, वो सारी चीज़ें इस पार्ट में बताई गई है। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 6, इसमें रिफ्रैक्टरी वर्क को बताया गया है, यानी कि एक तरह से रिपेयरिंग वर्क समझ सकते हैं हम लोग। जो कॉमर्शियल अपना स्ट्रक्चर होता है, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर में जो भी रिपेयरिंग वर्क आते हैं, रिफैक्टरी मतलब थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के दूसरा स्ट्रक्चर बनाना, उस चीज़ को कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो इस पार्ट में बताया गया है। अब आता है IS कोड का पार्ट 7, इसमें हार्डवेयर वर्क का जो भी काम, हमारे जो कंस्ट्रक्शन में हार्डवेयर वर्क से रिलेटेड कोई भी काम होता है उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसको मीट्रिक टन में लेते हैं या रनिंग मीटर में लेते हैं, स्क्वायर मीटर में लेते हैं, किस चीज़ को किस चीज़ में लेते हैं, वो इस पार्ट में बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और उस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। IS कोड के पार्ट 8 में स्टील और आयरन वर्क के बारे में बताया गया है। जो हम लोग स्टील वर्क करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में और आयरन का काम करते हैं, प्लम्बिंग कुछ भी करते हैं, आयरन से स्टील वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें उसका मेजरमेंट करने का तरीका इसमें बताया गया है। पार्ट 9 में रूफ कवरिंग, मतलब जो हमारी छत होती है, रूफ जो खपरा टाइप की छत होती है उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, रूफ को क्लेडिंग के साथ, मतलब क्लेडिंग वाली रूफ के बारे में भी बताया गया है। तो उसकी मेज़रमेंट थोड़ा डिफरेंट टाइप की होती है, आप इसमें देख सकते हैं, और इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उसकी मेज़रमेंट करते हैं। पार्ट 10
10 में सीलिंग और लाइनिंग के बारे में बताया गया है। देखिए अभी आपने रूफ देखा, रूफ क्या है, वो एक्सटर्नल पार्ट हो गया किसी भी स्ट्रक्चर का, और सीलिंग क्या है, हमारा इंटरनल पार्ट हो गया। तो इसमें सीलिंग की मेजरमेंट करना, सीलिंग और उसमें लाइनिंग होती है उसकी मेजरमेंट करना बताया गया है, और रूफ का अलग ही था, उसका अलग मेजरमेंट था। तो अब इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। IS 1200 के पार्ट नंबर 11 में पेविंग, फ्लोर फिनिशिंग, डैडो और स्कर्टिंग की मेजरमेंट करना बताया गया है। डैडो आप समझते हैं जो दीवार में लगाया जाता है टाइल्स, वो डैडो होता है, और स्कर्टिंग जो जहाँ पे हमारा फ्लोर का टाइल्स खत्म होता है उसके ऊपर वर्टिकली 100 mm या 150 mm का वॉल में लगाया जाता है, ताकि जो हमारी सीलन हो जब हम फर्श को धोएं तो वॉल में ना जाए, उसका मेजरमेंट बताया गया है। पेविंग जो नॉर्मली हम लोग प्लास्टर कर देते हैं उन सब का मेजरमेंट करने का मोड ऑफ मेजरमेंट बताया गया है इसमें। IS 1200 के पार्ट नंबर 12 में ये बताया गया है कि प्लास्टर में प्लास्टर की मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसमें क्या क्या डिडक्शन होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं डिडक्शन करने के, और इसको जो एक फ्रेशर इंजीनियर को और खासकर कॉन्ट्रेक्टर को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या क्या डिडक्शन, क्या क्या छूट उनको मिली है एक कॉन्ट्रेक्टर को काम करने के लिए। क्योंकि जो हम लोग को कोर पोर्शन करते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा वर्कमैनशिप लगती है, तो उसकी मेजरमेंट हमें उतनी मिलनी होती है। तो इस कोर्स से समझ में आएगा किस तरह से क्या चीज़ आप अपना क्लेम करो क्लाइंट से। तो इस चीज़ को मेरे अकॉर्डिंग आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए इस कोर्ट को, आईएस कोर्ट के अकॉर्डिंग ही अपने बिलिंग कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा प्लास्टर और पॉइंटिंग की। IS कोड 1200 के पार्ट 13 में व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग एंड पेंटिंग फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मतलब आपका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो उसमें पेंटिंग करने का मेजरमेंट का तरीका बताया गया है। देखिए अभी आगे एक पार्ट और आएगा जिसमें पॉलिशिंग और फर्निशिंग की पेंटिंग करने का बताया गया, मतलब वो होता है हमारा वुड वर्क और स्टील वर्क या MS वर्क पे क्या क्या हम पेंटिंग करते हैं उसमें बताया गया है। इसमें जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पेंटिंग करते हैं वो इस पार्ट में उसकी मेजरमेंट करना बताया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये पार्ट 14 में ग्लेजिंग वर्क के बारे में बताया गया है, जो हम लोग शीशे का वर्क करते हैं और अपने बिल्डिंग को बाहर से बड़े बड़े शीशे लगाते हैं, उसमें क्या चीज़ कटिंग में आता है, बीच बीच में कोपिंग देते हैं और बीच बीच में एक सेपरेटर देते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे डिडक्ट करते हैं, क्या चीज़ ली जाती है क्या चीज़ नहीं ली जाती है, वो सब इस पार्ट में बताया गया है। ये भी अच्छा पार्ट है, इसको पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा ग्लेजिंग वर्क की मेजरमेंट। क्योंकि इसमें छोटी सी भी मेजरमेंट आपके कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि ये शीशे बहुत महंगे आते हैं इसलिए। तो इसको IS कोड के अकॉर्डिंग अगर आप कोट करेंगे क्लाइंट से तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। IS कोड 1200 पार्ट 15, जो मैं पहले बात किया था ना पेंटिंग के लिए, देखिए यहाँ भी पेंटिंग का मेजरमेंट करना बताया गया है, पॉलिशिंग की और वर्निशिंग की। अब ये क्या होता है, वुड वर्क पे होता है और हमारा CI पाइप पे या और कुछ भी हमारा स्टील का स्ट्रक्चर है या वुडन स्ट्रक्चर है उस पे जो पेंटिंग और पॉलिशिंग करते हैं उसके लिए इस पार्ट का यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। अब इसको पढ़िएगा बहुत अच्छा है, और ये फ्रेशर लोगों के भी काम आता है, जो फ्रेशर इंजीनियर है या जो लोग बिलिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा। पार्ट नंबर 16, इसमें देखिए जो भी जो लोग वाटर पाइपलाइन और सीवर पाइपलाइन का काम करते हैं या उसके क्लाइंट है वो इस पार्ट को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली आप लोग को नहीं मालूम होता है, और वो चीज़ बिलिंग में छूट जाती है आपकी, वो मेजरमेंट में छूट जाती है, या उसको किस चीज़ से लेना, वो अपने आपके BOQ में इंक्लूड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें इस IS कोड के 1200 से पता चलेगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। पार्ट नंबर 17 में रोड वर्क और पेविंग वर्क, जो पेवमेंट होता है उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं वो इसमें बताया गया है। वैसे ये तो एक अलग ही सिविल इंजीनियरिंग है हाईवे और रोड वर्क का, उसमें एक अलग ही बहुत सारे कोड है, लेकिन एक IS 1200 में एक आप समराइज मेजरमेंट आप देख सकते हैं कैसे मेजर किया जाता है। डिटेल मेजरमेंट के लिए और सारे कोड हैं, वो आने वाली वीडियो में मैं उसका भी डिस्कस करूंगा, और अभी तो IS 1200 पे के इंडिविजुअली सारे कोड पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा देखते रहिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं उसमें एक चीज़ की मेजरमेंट करना बताया गया है। IS 1200 के पार्ट नंबर 18, इसमें डिमोलिशन और डिसमेंटलिंग का
मेजरमेंट करना बताया गया, मतलब जो तोड़ते फोड़ते हैं उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस पार्ट में बताई गई है। क्या चीज़ स्टील को कैसे क्लेम करते हैं, उसकी कैसे मेजरमेंट करते हैं, और डिमोलिशन में ब्रिक वर्क, कंक्रीट वर्क, उन सब की कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। पार्ट नंबर 19, इसमें देखिए वाटर सप्लाई और प्लम्बिंग और ड्रेन वर्क का मेजरमेंट करना बताया गया। इससे पहले वाटर पाइपलाइन और सीवर लाइन के बारे में बताया गया था। ये वाटर सप्लाई जो हम लोग पानी पीने के सप्लाई करते हैं, या घरों की जो सप्लाई के लिए जो जो भी अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। पार्ट नंबर 20 में देखिए सेम चीज़ है, जो वाटर सप्लाई का बताया गया था वही यहाँ पर ऑयल और गैस पाइपलाइन के बारे में बताया गया है। लेकिन ये बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही मटेरियल इसमें यूज़ होता है, इसलिए इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं तो वो इसमें इस पार्ट में बताया गया है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, उसकी क्या अलग मेजरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। पार्ट नंबर 21, इसमें वुड वर्क के बारे में बताया गया है। जो भी हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कोई भी वुड वर्क करते हैं, चाहे किचन में करते हो चाहे बेडरूम में करते हो, उसकी कैसे मेजरमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। हम लोग पहले तो अपनी विंडो में भी वुड वर्क के फ्रेम लगाया करते थे, अब वो फ्रेम चेंज होकर अब एल्युमिनियम के लगते हैं या फिर और ज़्यादा फैब्रिकेटेड के आने लगे हैं, तो अभी लकड़ी को बहुत सारा बहुत पीछे कर दिया गया है। फिर भी उसका जो भी काम हम कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं वो सारी मेजरमेंट करना इस पार्ट में, पार्ट नंबर 21 में बताया गया है। पार्ट नंबर 22, अब हमारे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे रॉ मटेरियल आते हैं, उस रॉ मटेरियल को कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसको किस चीज़ में नापते हैं, कैसे नापते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। अलग अलग रॉ मटेरियल का अलग अलग मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, अलग अलग यूनिट होती है, तो वो सारी चीज़ें इस पार्ट में बताई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही तो एक बेसिक है हमारा मटेरियल लेने का, उस किस चीज़ को कैसे खरीदें, किस चीज़ को कैसे मेजरमेंट करें और किसके रेट किस चीज़ में लिए जाते हैं, ISO इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है, उस मटेरियल को किस यूनिट में लेना है, वो सारी चीज़ें इस पार्ट में बताई गई है। अब इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। ISO 1200 का पार्ट 23, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पाइलिंग वर्क की मेजरमेंट करना बताता है, मोड ऑफ मेजरमेंट पाइलिंग वर्क की क्या होती है वो इस पार्ट से पता चलता है। और ये एक इंजीनियर के लिए, कॉन्ट्रेक्टर के लिए और क्लाइंट के लिए इस पार्ट को बहुत ही डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल होते हैं, वो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा इसको डीपली पढ़िएगा, इसकी वीडियो भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाऊंगा। पार्ट नंबर 24, वेल फाउंडेशन। अब वेल फाउंडेशन देखिए वैसे ही ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसकी मेजरमेंट करना और भी ज़्यादा टेक्निकल है, और इसमें कितने टाइप्स के वेल फाउंडेशन होते हैं और उन टाइप्स के वेल फाउंडेशन की कैसे कैसे मेजरमेंट की जाती है वो इस IAS पार्ट 24 में बताया गया है। इसको भी अच्छे से पढ़ने वाली चीज़ है ये और टेक्निकल चीज़ भी है। पार्ट नंबर 25, टनलिंग। जिस तरह से रोड और हाईवे एक अलग ही सिविल इंजीनियरिंग है, वैसे ही टनलिंग भी एक अलग ही सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, हर पार्ट के क्या क्या मेजरमेंट होते हैं, कैसे कैसे मेजरमेंट होते हैं, बहुत सारे डिटेल में इसके अलग अलग कोड दिए गए हैं। ये IAS 1200 पार्ट 25 में बस एक समरी बताई गई है कि टनलिंग की मेजरमेंट की कैसे की जाए, किस टाइप का टनलिंग है तो उसकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी, एक बहुत ही शॉर्ट समरी है। डिटेल में तो इसके जो टनल के जो कोड आते हैं उसमें आपको डिटेल में मिलेगा, तो अगर शॉर्ट में बस जानना है तो उसके लिए आप IAS 1200 पार्ट 25 प्रीफर कर सकते हैं। IAS 1200 पार्ट 26, इसमें एसिड रेजिस्टेंस लाइनिंग के बारे में बताया गया है। जो भी हमारे केमिकल फैक्ट्री होती है, जब वहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो IAS 1200 पार्ट 26 में बताया गया है। ये ज़्यादातर कॉमर्शियली ही यूज़ होता है, कॉमर्शियली में इन सब चीज़ों का भी यूज़ होता है। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। IAS कोड 1200 पार्ट 27, इसमें आपको अर्थवर्क करने का मोड ऑफ मेजरमेंट बताया गया है। लेकिन पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैनुअल मीन्स था, ये मैकेनिकल मीन्स है। जो हमारा मशीनरी से हम लोग अर्थवर्क करते हैं, मैनुअली नहीं करते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में अर्थवर्क करते हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है वो इसमें बताया गया है। क्या चीज़ कॉम्पैक्टेड ली जाती है, क्या चीज़ लूज में लिया जाता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में इस IAS 1200 पार्ट 27 में बताई गई है।
पार्ट 28 साउंड इंसुलेशन वर्क्स, ये ज़्यादातर हमारे थिएटर में या क्लब वगैरह में की वॉल में इसका वर्क किया जाता है। ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट ही होता है। उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है ये हमारे IS 1200 पार्ट 28 में बताया गया है, वो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई क्योंकि इतने सारे पार्ट थे। ठीक है, अब इन पार्ट की एक अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, उसमें थोड़ा डिटेल में सारे पार्ट के बारे में बात करूंगा। और अभी मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ जहाँ से आप ये सारे IS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और कुछ अगर आपको जानना है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं उसके बारे में, या और जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो और भी किस चीज़ की वीडियो चाहिए आपको आप मुझे बता सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।